हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। क्रिकेट में आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस के अनुभवी तेज गेंदबाज लक्षित मलिंगा की, जिन्होंने इस साल आईपीएल का 13वां सीजन ना खेलने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी मुंबई इंडियंस की तरफ से दे दी गई है। लक्षित मलिंगा आईपीएल के पिछले 12 सीजन में 3 बार मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं रहे हैं और जब मलिंगा टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं तो मुंबई की टीम का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है। पॉइंट्स टेबल में कैसी रही है मुंबई की स्थिति, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक लक्षित मलिंगा मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं। साल 2008 से लेकर 2019 के बीच मलिंगा सिर्फ 3 बार यानी 2008, 2016 और 2018 में मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेले हैं और इस दौरान मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर रही है। वहीं पिछले 12 सीजन में मलिंगा 9 बार मुंबई की टीम का हिस्सा रहे हैं, जिसमें से 4 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी है। मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017 और 2019 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था और इन सभी सीजन में मलिंगा का प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा था। अगर हम साल 2009 के सीजन को छोड़ दें तो मलिंगा के रहते मुंबई की टीम 5वें स्थान के अंदर ही रही थी। मुंबई इंडियंस के लिए मलिंगा ने 9 सीजन यानी 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 और 2019 में खेला है। गौर करें तो 2009 में मुंबई 7वें स्थान पर रही थी, 2010 में दूसरा स्थान यानी उपविजेता, 2011 में तीसरा, 2012 में चौथा, 2013 में विनर, 2014 में चौथा, 2015 में विनर, 2017 में विनर और 2019 में भी मुंबई की टीम चैंपियन रही थी। मतलब सिर्फ मलिंगा के ही रहते मुंबई की टीम साल 2009 में सिर्फ 7वें स्थान पर रही थी। नहीं तो इस टीम के बाकी के वर्षों पर नज़र डालें तो मुंबई का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब जरा अगर हम अपने दिमाग को खर्च करें तो हमें यही देखने को मिलता है कि मलिंगा ने जिस साल आईपीएल नहीं खेला है उस साल मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर रही है। अब इस साल भी मलिंगा नहीं खेल रहे हैं तो अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो आंकड़े यही कहते हैं कि इस साल भी मुंबई के जीतने के चांस कम हैं। वैसे ये क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आखिरी गेंद पर भी पासा पलट सकता है। इसका सीधा उदाहरण है आईपीएल 2019 का फाइनल मुकाबला, जब मलिंगा ने आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को LBW आउट कर मुंबई को चैंपियन बनाया था। टीम में मलिंगा का ना होना मुंबई के लिए बहुत बड़ा झटका इस लिहाज से भी है क्योंकि मलिंगा एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं जिनके सटीक यॉर्कर से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। मलिंगा के टीम में ना होने से इसका असर टीम के प्रदर्शन पर थोड़ा सा तो जरूर पड़ेगा। मुंबई की टीम में जसप्रीत बुमराह जरूर हैं और जब दोनों साथ होते हैं तो मुंबई इंडियंस और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, लेकिन इस बार ये जोड़ी टूट गई है। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए लक्षित मलिंगा ने 122 मैचों में कुल 170 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान मलिंगा का बेस्ट प्रदर्शन 13 रन देकर 5 विकेट का रहा है। इसके साथ ही मलिंगा ने 6 बार 4 विकेट और 1 बार 5 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। अब ऐसा खतरनाक गेंदबाज अगर मुंबई की टीम में ना हो तो कप्तान रोहित शर्मा थोड़े चिंतित तो जरूर होंगे। अंत में जाते जाते आप सभी के लिए एक रोचक जानकारी, क्या आप जानते हैं सुनील गावस्कर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 3 बार टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं और ये रिकॉर्ड आज तक बरकरार है।
मिलेंगे अगली बार क्रिकेट जगत की एक नई दिलचस्प और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए एनबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आप तक सबसे पहले पहुंचे।